अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं राहुल हुड्डा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। पुलिस ने चार शातिर बदमाशों को उस समय धर दबोचा जब चारों बदमाश लूटी गई स्विफ्ट डिजायर कार में ऐश फरमा रहे थे। ये जानकारी एसएसपी अजय साहनी ने पुलिस लाइन सभागार में पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने बताया कि इन चारों बदमाशों के खिलाफ जनपद के 6 थानों में लूट के मामले दर्ज हैं। ये चारों बदमाश कक्षा 12वीं के छात्र हैं, जो अपनी व अपनी गर्लफ्रेंड के शौक पूरे करने के लिए लूटपाट करते थे। पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी कि चार बदमाश बहचोल में लूटी गई सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार से मवाना की तरफ जा रहे हैं। मिली सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी करना शुरू कर दिया और चारों बदमाशों को पीछा करते हुए मसूरी तिराहे के पास धर दबोचा। पकड़े गए बदमाशों के पास से 2 कार व 2 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी और 4 तमंचे व 8 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया है। आइए जानते हैं इस मौके पर क्या कहना है एसएसपी अजय साहनी का। ये बेसिकली 20-22 साल के लड़के हैं। ये 4 अभियुक्त हैं जो किराए पे कमरा लेकर रहते थे और पिछले 1.5 महीने से इन्होंने दर्जन भर लूट मेरठ में की। जो भी ये साफ टारगेट देखते थे उसके लूट करते थे। इनके द्वारा परतापुर थाने से लूट की गई स्विफ्ट डिजायर बरामद हुई है, स्कूटी 3 बरामद हुई है और 9 मोबाइलें बरामद हुई हैं, जिसको ये शाम को निकलते थे, ड्रिंक करते थे और उसके बाद ये लोगों से लूट मार करते थे। करीब 1 दर्जन घटनाएँ इन्होंने की हैं जो अभी तक पता चली हैं। ये सभी पढ़ने वाले बच्चे हैं जो 12th में पास कर चुके हैं या 12th और बाकी आगे अपना कमरा लेकर रह रहे थे और ये लगातार इनके द्वारा ये घटना करके जनपद में एक ऐसा माहौल कायम किया गया था। ये इन सभी को इंचौली और साइबर की टीम ने गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम को 10,000 रुपये का इस पर रिवार्ड मेरी तरफ से दिया जा रहा है। अभी पूछताछ में ये सामने आया है कि इनकी गर्लफ्रेंड्स थी और उनके अपने शौक पूरे करने के चक्कर में और उनके लिए लूट मार करते थे और बहुत सारी चीज़ें भी और भी हैं जो इनसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। कौन कौन सी क्लास के बच्चे हैं? ये इंटर पास है, एक इंटर है, इंटर में है और ये तैयारी कर रहा है एक कंपटीशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम की। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी।